हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट 5 के बारे में, जो कि हमारा अभी ना फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एज पर योर सिलेबस। ठीक है, तो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम पढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही वंडरफुल वीडियोस मिलती हैं जो आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करने में बहुत हेल्प करती हैं। ओके, जितना आपको चाहिए उतना ही नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, बड़े ही क्लियर वर्ड्स में, जिससे आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। प्लांट और एनिमल्स, मतलब पौधों में, जानवरों में, हर जगह इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। सभी को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, सभी की एक आउटर कवरिंग है। ओके, तो जो हमारे जानवरों में जो इंटेग्यूमेंट्स होता है ना, उसे हम लोग आउटर कवरिंग कहते हैं, जो कि हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है शरीर की। कॉमनली हम इसे अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। तो हमारी त्वचा ही हमारा इंटेग्यूमेंट है, समझ गए आप। तो जानवरों में इंटेग्यूमेंट क्या है, बाहर की एक बाहरी आवरण है, बाहरी एक परत है, जो कि जो सुरक्षा देती है, सुरक्षात्मक मतलब होती है, तो वो सुरक्षा आपको देती है। जैसे आपकी स्किन है ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, किस किस चीज से प्रोटेक्ट करी है, बाहर की हर एक चीज से प्रोटेक्ट करी है। कहीं चोट ना लग जाए, अगर चोट लग जाए तो इंजरी से प्रोटेक्ट कर रही है। जो पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी से आपको प्रोटेक्ट कर रही है आपकी जो त्वचा है वो। ठीक, जो हेयर्स हैं वो भी, जो त्वचा पे हेयर होते हैं वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो पूरी तरीके से आपका जो प्रोटेक्शन है ओवरऑल बॉडी का, वो आपकी स्किन करती है। अगर आप ये देखें कि आप अगर हेड से अपने टो तक, अपने सिर से अपने पैर की उंगलियों तक अगर आप देखें, तो आप पूरी तरीके से स्किन से क्या हुए, ढके हुए हैं। क्या आप त्वचा से क्या हुए हैं, ढके हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये इस वजह से हम ढके हैं बिकॉज ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमें हमारे आउटर सराउंडिंग से पूरी तरह सेपरेट रखती है, और जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है केवल उतना ही हमें सराउंडिंग से देती है। जो नहीं नेसेसरी है उसे बाहर ही रहने देना है। लाइक होता है ना कि एक डोर बना देना, जो मेरे रूम में हमें चाहिए हम उतना अंदर रखेंगे, वरना फिर वो बाहर जाए। तो ये हमारे जो स्किन होती है, ये हमारे बॉडी की डोर होती है। जितना चाहिए आउटर सराउंडिंग से उतना अंदर आए, जो भी फालतू सामान है जैसे पैथोजन हो गया वो बाहर रहे, समझ गए। अब इंटेग्यूमेट्री सिस्टम हमारे लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। यहाँ पे हम छोटा सा आपको ना केवल फंक्शन बता रहे हैं, फंक्शन के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो अगली बार आएगी इसके बाद। ठीक है, देखो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम जो है, हम जो होते हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। किस लिए? बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? हमें, हमारी जो बॉडी है उसको पैथोजन से प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक लेट मी टेक कलर। ओके, दिस इज, मान लीजिए दिस इज आवर स्किन। ठीक है, दिस इज स्किन, और अभी जब हम स्किन का ना ऐसे आपको थोड़ा वो दिखाएंगे टीएस वगैरह से, तो फिर आपको पता चलेगा ठीक है क्या क्या बात हम कर रहे हैं। ये हमारी स्किन है, ओके, एंड दिस इज आवर आउटर सराउंडिंग। ओके, दिस इज, मान लीजिए दिस इज होल इज आवर आउटर सराउंडिंग। कैसे बनाऊं मैं, वेट, ये आउटर सराउंडिंग हो गई, और ये हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट हो गया। तो स्किन क्या है, एक बैरियर बन गई। क्या हो गई? एक बैरियर बन गई, ये हमारे अंदर का पार्ट हो गया। ठीक, अब देखो होगा क्या ना कि इस स्किन के वजह से क्या होगा, इस स्किन के वजह से कोई भी चीज फ्रॉम सराउंडिंग हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये बड़ी ही मोटी लेयर होती है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे एक पैथोजन है, ठीक, एक पैथोजन है जो आपकी बॉडी में घुसना चाह रहा है, तो वो घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि हमारी स्किन इतनी मोटी है और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक डोर की तरह काम कर रही है, एक दरवाजे की तरह काम कर रही है, तो वो इसे घुसने नहीं देगी। यहां पर वो क्या कर लेगी, नहीं घुसने देगी। ठीक, जब घुसने नहीं देंगी तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी के वो अंदर नहीं जाएंगे। अब जब बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन किसी भी चीज का नहीं होगा। तो ये क्या कर रही है आपको, ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द पैथोजन। फिर बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक, बाहर जो है वो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो बाहर गर्मी पड़े उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़े उससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, देखो मान लो यहाँ पे बहुत गर्मी है, ठीक, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो स्किन जो है वो इतनी, मतलब हमारे लिए
काम करने वाली चीज है ना कि वो इस गर्मी से, इस टेम्परेचर से हमें कोई लेना ही देना नहीं है, ये अंदर टेम्परेचर से कोई लेना ही देना नहीं है। हमारी स्किन हमें काफी हद तक अपने जो बाहर के टेम्परेचर है ना उससे बचा के रखती है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फील भी कराती है अपनी सराउंडिंग को ना, वो फील करवाती है कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया, तुम रजाई में मत रहो, अब तुम बाहर आओ। और जब टेम्परेचर घट जाएगा तो फिर वो क्या बोलेंगी कि चलो अब रजाई में चल चलो, अब टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा रहा है। तो हमारी स्किन, हमने तुम्हें क्या क्या बताया कि प्रोटेक्ट कर रही है, रेगुलेट कर रही है टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट को सेंस करके बता रही है कि तुम्हारे सराउंडिंग में चल क्या रहा है, ये चीज़ें भी तुम्हारी स्किन तुम्हें बताती हैं। ओवरऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे लोकोमोशन वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तुम्हारा स्टिमुलाई वगैरह हो गया ना कि तुम्हें कुछ रिस्पांस करना है तो उसके लिए स्टिमुलाई चाहिए। जैसे तुम्हें कोई मच्छर काट रहा है तो तुम्हें पता कैसे चल रहा है, तुम्हारे नर्व से पता चल रहा है, लेकिन काट का रहा है तुम्हारी स्किन के थ्रू काट रहा है ना। तो ऑल सेंसेस जो तुम्हारे सराउंडिंग में चल रहा है ना, वो भी सेंस तुम्हें बहुत ही अच्छे से तुम्हारी जो त्वचा है वो करवाती है। उसके अलावा ये गतिशील होती है, डायनेमिक होती है, मल्टी फंक्शनल, बहुकार्यात्मक ये होती है, क्योंकि इतने सारे काम कर रही है ना, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, एनवायरमेंट में जो भी चल रहा है वो सेंस करवा रही है, ठीक है। तो ये मल्टीफंक्शनल होती हैं, और ये जानवरों के सर्वाइवल के लिए और वेल बीइंग के लिए, जानवरों के सर्वाइवल के लिए, जानवरों को जीवित रखने के लिए और उनका अस्तित्व बना रहे उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट कुछ नहीं है, केवल आपको अपनी स्किन, जब भी इंटेग्यूमेंट आप एनिमल में जानो तो केवल अपने स्किन को जानो, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे हेड से लेकर के टो तक आप देखो तो आपको स्किन दिखाई देगी, और ये काफी सारे काम कराती है जैसे कि रेगुलेट करना, टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करना बॉडी को, पैथोजन वगैरह से, बाहर के इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, इन सब चीजों को सेंस करवाना, ठीक है। आप कैसे कराती हैं, जब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको तीन जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली देखने को मिलेगा। ये हमारी पूरी ओवरऑल स्किन है, ठीक है, दिस इज आवर स्किन, जिसको कि बड़े ही इनलार्ज व्यू में आपको दिखाया गया है। एक छोटा, आप अपना सामने अपना हाथ रखो, अपनी स्किन देखो, तुम्हें अभी ऊपर केवल अपनी एक ब्राउन कलर की, या जो लोग ज्यादा गोरे हैं तो व्हाइट कलर की तुम्हें एक स्किन दिखाई देगी, और उस पे क्या होगा, बाल, बाल दिखाई दे रहे हैं। तो ये बाल भी तुम्हारी स्किन से आ रहे हैं और इन्हीं लेयर्स में से आ रहे हैं, अभी हम तुम्हें पढ़ाएंगे तुम्हें पता चलेगा। देखो तो सबसे पहली परत है आपकी एपिडर्मिस की, दिस वन, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से, किससे बनी होती है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है, ठीक है, एपिथेलियल सेल। फिर उसके नीचे आते हैं आपके डर्मिस, वेट यहां से कलर लेना है, डर्मिस क्या है, ये डर्मिस की लेयर है, ओके, डर्मिस, जो डर्मिस होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से। इसके बाद डर्मिस को नीचे से सपोर्ट कर रहे होते हैं हाइपोडर्मिस, जिसको कि आप सब क्यूटिकुलर लेयर भी बोलते हो, ठीक है, ये हो गए हमारे वॉट, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस एंड दिस इज डर्मिस। तो सबसे चौड़ी लेयर कौन सी है, डर्मिस की है। तो सबसे ज्यादा चीजें कहाँ पाई जाएगी, डर्मिस में पाई जाएंगी। तो अभी तुम्हें जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो तुम्हें बताएंगे यही चीज कि एपिथेलियल जो तुम्हारा जो एपिथेलियल वाला एरिया है ना, जो ये एपिडर्मिस वाला एरिया है, ये तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पाया जाएगा। डर्मिस जो है इसमें काफी सारी चीजें पाई जाएंगी, जैसे कि आपके सिबेशियस ग्लैंड, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको हेयर फॉलिकल्स दिखाई देंगे, ये जो हेयर आपको दिख रहा है ना ये सब आपके डर्मिस से निकले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको हेयर फॉलिकल्स दिखाई देंगे, आपको नर्व्स दिखाई देंगी, और आपको यहीं पर ब्लड वेसल्स भी दिखाई देंगे। जो मच्छर खून पीते हैं, जो मच्छर अपनी जो आगे का जो चोच नुमा उनका स्ट्रक्चर होता है वो कहां तक पहुंचता है, वो डर्मिस तक पहुंचता है। ये मान लीजिए यहां मच्छर है तो उसने एपिडर्मिस को पार कर लिया, वो गया डर्मिस तक, और डर्मिस में जो उसकी जो चोच नुमा स्ट्रक्चर है ना, वो ये जो ब्लड वेसल है इसको जाकर के क्या कर देता है, इसमें होल कर देता है, और फिर यहां से जो ब्लड है उसे सक करता है, समझ रहे हो। तो उसकी चोच कहां तक जाती है, डर्मिस तक जाती है। अब देखो ये तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारा इंटेग्यूमेंट, जो तुम्हारा स्किन है, वो आगे चल करके बटा हुआ है एपिडर्मिस में, डर्मिस में और हाइपोडर्मिस में। हम बात करें तो सेवरल आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनके स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट है, अपना अपना काम है, ठीक। पूरी तरीके से अगर हम बात करें हमारे स्किन की, तो रक्षा करेंगे शरीर की, तापमान को नियंत्रित करेंगे, पर्यावरण को समझाने में आपकी हेल्प करेंगे, समग्र शारीरिक संतुलन में योगदान देने का कार्य करेंगे, गतिशील होते हैं, बहुकार्यात्मक प्रणाली होते हैं, जानवर के अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक है।
ठीक है, बहुत सारी संरचनाएं इनमें शामिल होती है जिससे ये बने होते हैं और सभी के विशिष्ट अपने अपने कार्य होते हैं। अगर हम आपको ये स्ट्रक्चर दिखा दें पढ़ाने से पहले तो आप कहोगे वाह भाई वाह, आज तो दिन ही बन गया। समझो कैसे, तुम्हें बताया एपिडर्मिस की लेयर सबसे ऊपर है, ठीक है, ये रही तुम्हारी एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। उसके बाद तुम्हें हमने बताया यहाँ पे ये रही डर्मिस की लेयर। डर्मिस में तुम पहले ही देख लो क्या क्या है, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखो, ये रही सबक्यूटिकुलर लेयर जिसे तुम हाइपोडर्मिस कहते हो। एपिडर्मिस में तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब खाली है, कुछ नहीं, ये केवल से केवल एक लेयर है। लेकिन डर्मिस, डर्मिस एक फुल एक बॉक्स है जिसमें काफी सारी चीजें रखी गई है, जैसे कि हेयर फॉलिकल, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हो हेयर फॉलिकल, जहां से आपकी स्किन पे जो त्वचा है ना, जो बाल आपको दिखाई दे रहे हैं अपने त्वचा पे, वो सब आपको कहां से दिखेंगे, इन हेयर फॉलिकल से निकले हुए दिखेंगे। आप अपना हाथ देखो, हाथ पे बाल देखो, ये कहां से निकले हैं, हेयर फॉलिकल से। किस लेयर से? डर्मिस की लेयर से, ठीक है। कई लोगों के हाथ या तुम्हारे भी हाथ ज्यादा देर तक बंद कर दो तो वो पसीने से भर जाता है, क्यों? हेयर फॉलिकल के पास ही तुम्हें दिखाई देगा क्या, सेबेशियस ग्लैंड, समझ गए। उसके अलावा इसमें क्या क्या देख रहे हो तुम, उसके अलावा यहाँ पे तुम ब्लड वेसल्स देख रहे हो, देखो ये देख रहे हो, ये सब ब्लड वेसल्स है। देन डर्मिस की ही लेयर में तुम देखोगे क्या, नर्व, ठीक, ये सब तुम यहीं पे नर्व देखोगे, तंत्रिकाएं देखोगे। अब देखो जो तुम्हारी एपिडर्मिस है, ये आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, प्राइमरली ये कंपोज्ड होती है एपिथेलियल सेल से। किससे बनी हुई है ये, मुख्यतः ये उपकला कोशिकाओं से, जिसे हम एपिथेलियल सेल कहते हैं। कैसे, इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट कर रही है बैरियर अगेंस्ट पैथोजन। हमने बताया कि कुछ भी अंदर आने की कोशिश करेगा नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी एपिडर्मिस की लेयर है। फिजिकल डैमेज, कोई चोट वोट लग जाए, हमेशा गिरते पड़ते चलते हो तो चोट लग जाएगी, इससे ये आपको बचाती है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी ना हो, इससे आपको ये बचाए रखती है, ठीक है। तो निर्जलीकरण, शारीरिक क्षति और रोग जनको, इन सभी से ये आपको क्या करेंगी, बचा करके रखेंगी, ठीक है। डर्मिस, डर्मिस जिसमें बहुत सारी चीजें हैं उसको पढ़ते हैं, होती है वो लोकेटेड होती है एपिडर्मिस के नीचे बीनीथ। डर्मिस जो है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वैसे तो हमने तुम्हें बता दिया बट एक बार और सुन लो। ब्लड वेसल पाई जाएंगी, जो तुम्हारे रक्त वाहिकाएं हैं वो पाई जाएंगी। नर्व, तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है। अपेंडेजेस, कुछ उपांग पाए जाएंगे जैसे कि हेयर फॉलिकल, जैसे कि हेयर फॉलिकल एंड स्वेट ग्लैंड। तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर हेयर, दे आर अपेंडेजेस ऑफ डर्मिस। ये उपांग है हमारे डर्मिस लेयर की। ये क्या क्या करवाते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे आपकी बॉडी को। हाउस सेंसरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन परसेप्शन। देखो जहां तुम्हारे बॉडी में नर्व है वहां तुम्हें रिस्पॉन्स पता चलेगा। तुम्हारे बॉडी में पूरी जगह नर्व है, कहीं भी एक मच्छर आके काटे तुम्हें पता चल रहा है ना, तो रिस्पॉन्स पता चलेगा। डर्मिस की लेयर में नर्व प्रेजेंट है, तंत्रिका प्रेजेंट है, तो क्या तुम्हें कोई स्पर्श करेगा तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टिमुलाई दोगे तो रिस्पॉन्स पता चलेगा, रिस्पॉन्स आएगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमारा जो डर्मिस लेयर है, दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्टर, जो सेंस है हमारे सराउंडिंग से, जो सेंस हमें मिल रहा है, जो भी चीजें हमें हमारे सराउंडिंग से बताई जा रही है, वो सब कुछ हमारा डर्मिस लेयर क्या करता है, हमें सेंस कराता है। जैसे कि स्पर्श हो गया, किसी चीज का दबाव हो गया, तापमान हो गया, दर्द की धारणा हो गई, किसी भी संवेदी रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे जो सेंस करवाते हैं किसी भी चीज का, लाइक आपके टच हो गए, स्पर्श, प्रेशर दबाव, टेम्परेचर तापमान, तापमान में कुछ ऊपर नीचे हुआ है किसी दबाव का, या फिर कोई किसी ने टच किया है, किसी जानवर ने टच कर दिया। देखो तुम्हें स्नैक टच करेगा तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये स्नैक ने टच किया है, किसी का हाथ टच करेगा वो भी पता चल जाएगा। तो ये सब तुम्हारे स्किन में कौन पता करवा रहा है, ये सब डर्मिस, डर्मिस की जो लेयर है वो तुम्हें हेल्प कर रही है ये सब बताने में, क्लियर, ठीक है। तो ये डर्मिस की बात हो गई, यही चीज वही चीज मतलब वही फिगर बात अगेन है, तो एक बार देख लो अगर नहीं समझ में आया, वरना फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। देखो अब हम बात करेंगे हाइपोडर्मिस की, जिसे कि हम सब क्यूटेनियस टिश्यू से ये बनी होती है, और लेयर भी कहते हैं सब क्यूटेनियस लेयर। ये पाई जाती है बीनीथ द डर्मिस, जो डर्मिस की लेयर है उसके नीचे ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से।
इनका फंक्शन होता है इंसुलेशन का, ठीक है, किसका, इंसुलेशन का, तुम्हारी बॉडी को बाहर के टेम्परेचर से पूरी तरीके से बचाए रखने का। एनर्जी स्टोरेज का, अब भाई जब एडिपोज टिश्यू है तो ये एनर्जी स्टोर तो करेगी ही, ठीक है, तो तुम्हारे लिए एनर्जी स्टोर करके रखती है कि तुम कभी खाना होना ना खाओ तो भी तुम्हारी बॉडी जो है वो काम उम कर पाए। फिर ये एंकर करती है, मतलब सपोर्ट करती है तुम्हारे स्किन को, क्योंकि भाई ऊपर है तुम्हारा एपिडर्मिस, फिर है डर्मिस, तो नीचे से भी तो कुछ चाहिए ना इसको सपोर्ट करने के लिए कि ऊपर वो सब बना रहे, तो ये नीचे से सपोर्ट भी करती है। तो इनका काम आपको पता चला, इंसुलेशन का, एनर्जी स्टोरेज का, क्योंकि भाई एडिपोज टिश्यू है तो ये एनर्जी स्टोरेज तो करेंगी, और एंकर करती है आपके ऊपर के स्किन के स्ट्रक्चर को, ऊर्जा भंडार ये इनको बोला जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर अपेंडेजेस की बात करेंगे हम, जो कि पाए जाते हैं हमारे डर्मिस की ग्लैंड में, ठीक है, उन अपेंडेजेस की हम अलग से बात करेंगे। हेयर डर्मिस की लेयर में आपको हेयर फॉलिकल्स दिखाई देते हैं, वहां से आपको क्या मिलता है, वहां से आप प्रोड्यूस करते हैं हेयर, जो कि इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन के काम में आती है। आपके हेयर की वजह से आपको ठंडी लगती है, आपको गर्मी लगती है, ये चीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये चीज आप देखो। एक बात तुम्हें हम बता रहे हैं, अगर तुम्हारे स्किन की जो हेयर है ना, मान लो कि ये रहा तुम्हारा स्किन, ठीक, और ये रहा स्किन, अगर इस स्किन पे जो हेयर है, ये जो हेयर है वो इस तरीके से है, ऐसे टेढ़ी, ये इस तरीके से है, तो जो तुम्हारी बॉडी से हीट निकल रही है ना, जो तुम्हारी बॉडी से हीट निकल रही है वो यहीं पर क्या है, ट्रैप हो गई है, यहीं पर ये फंस गई, जिसके वजह से आपको क्या होती है, गर्मी होती है, समझ गया, किसकी वजह से, गर्मी होती है। और अगर यही हेयर सीधी सीधी रहे ना, ऐसे खड़ी रहे, तो फिर क्या होता है, जो अंदर का जो गर्मी होता है जो, वो बाहर की तरफ निकल जाता है और आपको क्या लगती है, ठंडी लगती है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से तुम्हें बोला जाता है कि तुम ठंडी के दिनों में ना क्या करो, बहुत ही मोटे कपड़े पहनो, मोटे कपड़े पहनोगे ना तो तुम्हारे हेयर जो होंगे वो दबे रहेंगे इस तरीके से, और दबे रहेंगे तो वो तुम्हारा जो अंदर का हीट है उसे बाहर नहीं जाने देंगे और तुम्हें गर्मी का एहसास होगा, ठीक है, इसीलिए मोटे कपड़े पहनते तुम्हें गर्मी होने लगती है। लेकिन वहीं जैसे ही गर्मी आती है तुम फुल कपड़े वपड़े उतारते हो, नॉर्मल कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनते हो, जिसके वजह से तुम्हारे जो हेयर है वो इस तरीके से खड़े रहते हैं गर्मी के दिनों में, और जो तुम्हारे अंदर की हीट है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और तुम्हें ठंडा लगता है, मतलब तुम्हें अच्छा लगता है अंदर से, ठीक। तो हेयर फॉलिकल इज वेरी रिस्पॉन्सिबल आपके टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं हेयर, जो कि इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली ये आपके ऊपर कोई भी पैथोजन अगर बाहर से आए ना, तो किसी के बाल तुम देखते हो काफी बड़े बड़े होते हैं स्किन में, लड़के लोगों में तो, और तो कोई भी छोटे मोटे कीड़े हो ना वो उसी में फंस जाएंगे, ठीक है, वो उसी में फंसेंगे, कोई डर्ट वगैरह है ना वो उसी में फंसेंगे। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। स्वेट ग्लैंड, अब स्वेट ग्लैंड डर्मिस में है, उसका क्या काम है, तो ये काम करता है क्या, स्वेट को सिक्रीट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसे शरीर का जो तापमान है उसे नियंत्रित करके रखना है, जो शरीर का टेम्परेचर है। अभी हमने तुम्हें ऑस्मोरेगुलेशन बताया, देखो हम तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर तुम्हारे बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक, तो तुम यूरिनेशन कराओ, लेकिन अगर नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे। तो इसी वजह से ना तुम्हारे बॉडी में से हर टाइम स्वेट जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज होता है, और उसी स्वेट में पानी भी होता है, उसी स्वेट में सॉल्ट भी होता है, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट तुम्हारा जो है वो तुम्हारे स्वेट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सॉल्ट हमारे बॉडी में ज्यादा नहीं, एक्सेसिव वे में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो हमारी बॉडी के लिए दिक्कत करेगा। तो स्वेट ग्लैंड बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि आपके ये हो गए ना सॉल्ट वगैरह, ये सॉल्ट जो है वो वेस्ट ही है, और आपके बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है। सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड क्या है, सीबम, अच्छा सॉरी सॉरी, हम सीबेशियस ग्लैंड आपको बोले स्वेट ना, सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। सीबेशियस ग्लैंड जो होता है ये ऑयली ग्लैंड होता है, ये क्या करता है, ऑयल सिक्रीट करता है, और मॉइस्चर, जो हम बात कर रहे थे ना कि हाथ बंद करोगे तो तुम्हें स्वेट बहुत सारा दिखेगा, वो ऑयल भी होता है, थोड़ा थोड़ा ऑयली स्किन भी आप किसी की देखते हो, तो ये आपकी बॉडी को, स्किन को ना मॉइस्चराइज करके रखती है। जो लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं, देखते हो किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, ऑयली लोग जल्दी मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में उतना तेल, उतना ऑयल है कि वो उनकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से रख रहा है, मॉइस्चराइज करके रख रहा है, ठीक है। और ये हेयर भी जो होते हैं आपकी बॉडी में, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको पता है हेयर की जितनी ऑयलिंग करो वो उतना ही अच्छा होता है, तो सीबेशियस ग्लैंड जो है वो ऑयल ग्लैंड
कहलाता है। हम ब्लड वेसल्स के बारे में, देखो ब्लड वेसल्स तुम्हारे डर्मिस की लेयर में भी थी और सबक्यूटेनियस जो लेयर थी हाइपोडर्मिस उसमें भी तुम्हें थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। तो ब्लड वेसल एंड नर्व ये दोनों ही तुम्हें दोनों में थोड़े थोड़े दिखाई देंगे, तो हम इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ब्लड वेसल जो है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगी हमारे स्किन सेल को, जो कि ओवरऑल हमारे स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि स्किन के पास ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट होगा, तभी वो अच्छे से ग्लो करेंगे। इसीलिए आपसे लोग कहता है ऐसा खाना खाओ जिससे अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तो तुम्हारा बॉडी जो है वो खुद पे खुद ग्लो करने लगेगा। ठीक है, नर्व क्या कराएंगे, जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगा वो सभी के सभी हमारे ब्रेन तक पहुंचाएंगी और अलाउ करेंगी किसी भी जानवर को क्या करने के लिए, पर्यावरण का एहसास दिलाने के लिए कि हमारे एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। ये सब कुछ हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचा रही है, हमारी स्किन पहुंचा रही है, स्किन में जो नर्व्स है वो पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, देख लो यही लेयर हम बोला है। अच्छा तुमने तुम्हें हमने एक चीज बताया कि देखो ये कुछ जो है ऐसे ब्लड वेसल्स तुम्हारे सबक्यूटेनियस में भी प्रेजेंट है, ठीक है, और डर्मिस में भी प्रेजेंट है, इसीलिए हमने ये अलग पढ़ा। ये क्या कराएंगी, ऑक्सीजन को बहुत ही अच्छे से रेगुलेट कराएंगी। नर्व, नर्व सेल इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये क्या कराएंगी, ये सेंस कराएंगी एनवायरमेंट को। तो आपको हमने इंट्रोडक्शन दे दिया बहुत ही अच्छे से, तो आज की क्लास की हम समरी बताते हैं। इसके बाद हम एपिडर्मल डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जो पढ़ा उसकी समरी देख लो, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उस तरीके से हम आपको बना के दिखा रहे हैं। हमने इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ा, इंटेग्यूमेंट इज ऑल अबाउट योर स्किन, जो कि एक ओवरऑल आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, लार्जेस्ट आपकी ऑर्गन है। ठीक है, ये हो गई पहली स्ट्रक्चर हमारे स्किन की, जो कि है एपिडर्मिस की। किसकी स्ट्रक्चर है ये है हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है ये क्या कराती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एपिडर्मिस। उसके बाद हमने पढ़ा डर्मिस की लेयर, किसकी लेयर, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डर्मिस। ओके, जो कि काफी ज्यादा चौड़ी है। क्यों चौड़ी है भाई, क्योंकि इनमें काफी सारा सामान भरा हुआ है, वो सामान हमने अभी आपको पढ़ाया है, इसी तरीके से कॉपी में बनाना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे डर्मिस की लेयर। कौन सी लेयर है ये है डर्मिस की लेयर। डर्मिस में काफी सारी तुम्हें चीजें दिखाई देंगी, दिस इज व्हाट डर्मिस की लेयर। डर्मिस की लेयर के बाद तुमने पढ़ा हाइपोडर्मिस, ठीक है, दिस कलर क्या पढ़ा तुमने, हाइपोडर्मिस, दिस इज योर हाइपोडर्मिस। ओके, लिख लेते हैं इसे भी, व्हाट इज दिस, दिस इज हाइपोडर्मिस। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपोडर्मिस। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें हम अपेंडेजेस बना के दिखाएंगे, जो कि है हेयर फॉलिकल। तो ये रहा हेयर फॉलिकल, ये है फॉलिकल। ओके, ये आपको ऊपर हेयर जो है ऐसे इसमें से निकली हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ये हो गया हेयर फॉलिकल। क्या है भाई ये है हेयर फॉलिकल। ओके, ये हेयर फॉलिकल हो गया। उसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा सिबेशियस ग्लैंड, ये हो गया आपका। तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, ये रही हमारी सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, सिबेशियस ग्लैंड है। और सिबेशियस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिबेशियस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, इस चीज को भूलना मत। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑयल ग्लैंड। और यहीं कहीं तुम नीचे देखोगे ना, यहां पर तुम्हें दिखाई देगा ना स्वेट ग्लैंड। ठीक है, इधर कहीं देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए अपेंडेजेस। ठीक, ये अपेंडेजेस हो गए। उसके बाद यहां इस तरीके से तुम्हें नर्व दिखाई देंगी फैली हुई। ठीक, ये क्या है, ये है तुम्हारी नर्व। ओके, और फिर तुम्हें दिखाई देगा यहां ऐसे ब्लड वेसल्स। ओके, ये क्या हो गई, दिस इज योर ब्लड वेसल्स। ओके, तो समझ गए तुम, तुम्हें समझ में आया। तो हमारे अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, ऑयल ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है और स्वेट ग्लैंड है। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली और क्या क्या प्रेजेंट है, नर्व प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटेग्यूमेंट, दिस इज ऑल अबाउट द स्किन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एपिडर्मल डेरिवेटिव,
इपिडर्मल डेरिवेटिव क्या है? इपिडर्मल ग्लैंड्स है, और ये ग्लैंड्स यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। जैसे कि इपिडर्मल स्केल हो गए, बहुत सारे आपके जो एनिमल्स हैं जो वर्टिब्रेट के, उसमें आप स्केल्स देखते हो उनकी बॉडी पे, ठीक है। फिर आप स्क्यूट्स देखते हो, हॉर्न्स देखते हो, डिजिटल स्ट्रक्चर्स लाइक क्लॉज हो गए, बड़े बड़े नेल्स, आप अपने अपने नाखून देखो, हूफ्स हो गए, फैदर जो हो गया, हेयर हो गया, ये सब क्या है? इपिडर्मल ग्लैंड से निकली हुई चीजें हैं, समझ रहे हो। तो इपिडर्मल ग्लैंड जो है, इपिडर्मल ग्लैंड जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। इन ग्लैंड्स में क्या क्या आता है? तो स्केल आता है, जैसे कि आपने स्केल्स देखे होंगे क्रोकोडाइल पे, ठीक है। तो स्केल्स आते हैं इस पे, वेट देखिए, एपिडर्मल स्केल आता है, स्कूट आता है, सिंग, जो बरसिंगा देखा है तुमने जिसपे 12 सिंग होते हैं, तो वो जो सिंग निकला हुआ है वो भी तुम्हारे स्किन से निकला हुआ है, किस इपिडर्मल जो ग्लैंड है वहां से निकले हुए हैं। फिर तुम्हारे डिजिटल संरचनाएं जैसे कि पंजे हो गए, नाखून हो गया, खुर हो गया, फिर पंख हो गया, बाल हो गया, ये सब भी तुम्हारे इपिडर्मल ग्लैंड से निकले। इपिडर्मल जो ग्लैंड होती है ना वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो मैम एक बात बता रहे, दो वर्ड्स आएंगे, ट्यूबुलर और एल्विओलर। ट्यूबुलर में ना ट्यूब लाइक तुम्हारा ना लेंथ होगा, ठीक है, और एल्विओलर में ना सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना वैसा थैलानुमा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगा, ऐसे जो तुम लंग्स में एल्विओलाई पढ़ते हो ना ऐसा होता है ना बैगनुमा स्ट्रक्चर, तो ये तुम्हें दिखाई देगा, ठीक। तो जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर होगा वो एल्विओलर होगा, और जहां पे थोड़ी लेंथ अच्छी खासी होगी वो ट्यूबुलर होगा, ठीक। तो हमारे इपिडर्मल जो ग्लैंड्स हैं वो सिंपल ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर। सिंपल एल्विओलर में आप एक ही एल्विओलाई जैसा बैगनुमा स्ट्रक्चर देखोगे, कंपाउंड ट्यूबुलर में आप काफी सारे ऐसे मुड़े हुए लेंथ लेकिन होगी, ये लेंथ होगी, ठीक है। फिर कंपाउंड एल्विओलर में ऐसे देखोगे सैकनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन एक और होता है कंपाउंड ट्यूबुलर एल्विओलर, जिसमें लेंथ भी बहुत अच्छी होगी और एल्विओलर स्ट्रक्चर्स भी काफी सारे होंगे। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के इपिडर्मल ग्लैंड्स हैं। इपिडर्मल ग्लैंड जो होते हैं ये बने होते हैं मालफीजियन लेयर से, इपिडर्मिस की जो मालफीजियन लेयर होती है उससे ये ग्लैंड्स बने होते हैं। ये अराइज होते हैं हमारे इपिडर्मिस से और ये पेनिट्रेट करते हैं डर्मिस को। अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ये ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, ये एल्विओलर भी हो सकते हैं, ये सिंपल भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल में आपको जो है ना ब्रांचेज नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कंपाउंड में आपको ब्रांचेज दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं इसकी जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग या तो तुम्हारे क्यूबॉइडल जो सेल है उनसे भी हो सकती है, या फिर ये तुम्हारे जो कॉल्यूमिनर सेल है उनसे भी हो सकती है, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आया कि इपिडर्मल जो ग्लैंड है वो इपिडर्मिस से ही अराइज होती है और पेनिट्रेट करती है डर्मिस की लेयर को, त्वचा में प्रवेश करती है, प्लस ये मालफीजियन लेयर से बनी होती है जो कि इपिडर्मिस की ही लेयर्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, एल्विओलर भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ भी होंगे ये, लेकिन जो इनकी लाइनिंग होगी, जो इनर लाइनिंग होगी वो क्यूबॉइडल सेल की होगी और कॉल्यूमिनर सेल की होगी, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यूनिसेलुलर जो ग्लैंड्स हैं, जो यूनिसेलुलर इपिडर्मिस ग्लैंड है, ये सिंगल होते हैं, मॉडिफाइड सेल इनमें पाई जाती हैं, और इपिथेलियल की जो मॉडिफाइड सेल होती है वो इनमें पाई जाती हैं। दे आर प्रेजेंट इन एम्फियोक्सिस। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इस चीज को नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है ये तुम्हारे एम्फियोक्सिस, साइक्लोस्टोमेटा, फिर आपके फिशेस एंड एम्फीबियंस के लार्वा में आपको यूनिसेलुलर ग्लैंड्स दिखाई देंगे। ये ग्लैंड्स म्यूकस के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड हमारे एम्फीबियंस में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, हमने तुम्हें पढ़ाया है, क्यों? क्योंकि उन्हें पानी में रहना है और बाहर भी रहना है, तो पानी में जब वो रहते हैं तो म्यूकस ग्लैंड की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिसलन, म्यूकस ग्लैंड से ही फिसलन आएगा। तुम छुए होगे कभी मेंढक को तो तुम्हें वो फिसलन की महसूस हुई होगी, वो क्यों? क्योंकि इनमें म्यूकस ग्लैंड बहुत अच्छे से पाया जाता है। म्यूकस सेल, जैसे कि आप गॉबलेट सेल भी बोलते हो, ये पाया जाता है। तो गॉबलेट सेल किसका एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर इपिडर्मल ग्लैंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है म्यूसिन, जो वाटर के साथ, पानी के साथ कंबाइन हो जाता है और म्यूकस बना देता है, जो कि हमारे पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को ल्यूब्रिकेट करके रखता है और उन्हें पानी में कोई दिक्कत ना हो चलने फिरने में, उसमें वो हेल्प करता है, समझ गए। तो आपको कैसे याद रखना है कि यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होते हैं
वो आपको याद रखना है कि म्यूकस ग्लैंड के लिए जाने जाते हैं, जिसे हम गॉबलेट सेल भी बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड है ना, ये प्रोटीन म्यूसिन सिक्रीट करता है, जो वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है। और जितने भी हमारे एनिमल्स वाटर में रहने वाले हैं, जैसे कि आपके फिशेज हो गई, लार्वा हो गया, एम्फीबियन का साइक्लोस्टोमेटा हो गया, एम्फीऑक्सिस हो गया, इन सभी की बॉडी को वो बहुत ही अच्छे से ल्यूब्रिकेट करके रखता है। अदर यूनिसेलुलर ग्लैंड है, जैसे कि ग्रैनुलर सेल हो गया, ये भी एक ग्लैंड है जो हमारे जो मतलब ये भी एक सेल हो गई जो कि यूनिसेलुलर ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जो कि लार्ज सेल होती है साइक्लोस्टोमेटा और फिशेज में ये पाई जाती है, और ये भी म्यूकस ही सिक्रीट करेंगी। तो यूनिसेलुलर जो ग्लैंड है हमारे इपीडर्मिस ग्लैंड की, ठीक है, जो डेरिवेटिव है यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये आपके म्यूकस जो है ये सिक्रीट करते हैं, म्यूसिन नाम का प्रोटीन सिक्रीट करते हैं एक्चुअली, जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके म्यूकस बना लेता है। क्या बना लेता है? म्यूकस बना लेता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो जैसे हमारी फिशेज हो गई, ठीक है, जैसे हमारी फिशेज हो गई, साइक्लोस्टोमेटा हो गया, एम्फीबियंस के लार्वा हो गए, या खुद एम्फीबियंस हो गए, इन सभी में आप ये ग्लैंड बहुत अच्छे से देख लोगे। मल्टीसेलुलर ग्लैंड दो तरीके के आगे फिर से बांटे गए हैं। पहले है ट्यूबुलर ग्लैंड, जो कि मल्टीसेलुलर ट्यूब्स ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, उनका डायमीटर जो है वो यूनिफॉर्म होगा, एक ही तरीके का डायमीटर होगा, और मालफीजियन लेयर से ये अगेन बने होंगे। इन ग्लैंड्स में मॉल ऑन द मार्जिन ऑन द ह्यूमन आईलिड, क्या मानव पलकों के किनारे पर मोल की ग्रंथियां जो होती हैं, जो मानव का पलक होता है, पलक होता है ना, ये जो आप ऊपर जो आईलिड देखते हो वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और कुछ एक तो ट्यूबुलर ग्लैंड हो गया मल्टीसेलुलर का, और एक ट्यूबुलर ग्लैंड होता है जो कि कॉइल्ड होगा और आपके डर्मिस के लेयर के नीचे पाया जाएगा, जो कि आपके स्वेट और स्वेट ग्लैंड है, जिसे कि हम सुडोरीफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला ये ट्यूबुलर है, ये एल्विओलर है, ठीक है। सिंपल मतलब क्या? सिंपल मतलब कि ये ब्रांच्ड नहीं होंगी, कंपाउंड में देखो ये ब्रांच है, ठीक है। तो दिस इज योर लेयर। अब देखो फिर समझो, जो ट्यूबुलर ग्लैंड है उन्हें डिवाइड किया गया है मैनी ट्यूब्यूल्स में, विच आर देन कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। जो मैमरी ग्लैंड है हमारी फीमेल्स में और जो मेल्स में, मोनोट्रीम्स एंड प्राइमेट्स, जो हमारे मेल्स एंड फीमेल्स हो गए मोनोट्रीम्स प्राइमेट्स के, उन सभी में जो मैमरी ग्लैंड है वो एग्जाम्पल है हमारे ट्यूबुलर ग्लैंड के, जो कि इपिडर्मिस ग्लैंड के क्या है, डेरिवेटिव है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में है वो भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। हमने आज क्या क्या पढ़ा है एक बार तुम अच्छे से समझ लो, कि हमने नॉर्मली आपके इंटैग्यूमेंट की बात की, जिसमें हमने स्किन की बात की। स्किन में हमने तुम्हें क्या क्या बताया? स्किन में हमने बताया कि इपिडर्मिस की लेयर होती है, डर्मिस की लेयर होती है, और हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, जिसमें इपिडर्मिस जो है वो प्रोटेक्ट करी है, डर्मिस में काफ़ी सारे अपेंडेजेस होंगे, हाइपोडर्मिस में भी ब्लड वेसल्स एंड जो नर्व्स हैं वो पाई जाएंगी, और ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हमारे डर्मिस की लेयर में भी पाई जाएंगी। ये चीज़ हमने बात की। इपिडर्मिल डेरिवेटिव की बात की, ठीक है, जिसमें हमने तुम्हें बताया एक यूनिसेलुलर और एक बताया मल्टीसेलुलर, और ये भी बताया कि ये जो इपिडर्मिल है ये तुम्हारे मालफीजन ट्यूब्यूल से बनी हुई होती हैं, जो यूनिसेलुलर है ये तुम्हारी म्यूकस ग्लैंड या फिर आप इसे गॉबलेट सेल बोलते हो उससे बनी होती हैं, जो कि म्यूसिन नाम का प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, जो पानी के साथ मिलता है और ल्यूब्रिकेट करता है आपके जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको। इसका एग्जाम्पल हो गया फिश, मछली, एम्फीबियंस हो गए, साइक्लोस्टोमा हो गया, और उसके बाद एम्फीऑक्सिस हो गया। मल्टीसेलुलर में तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ? मल्टीसेलुलर जो तुम्हारे ग्लैंड हैं, ये तुम्हारे मैमरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, मैमरी ग्लैंड तुम्हारे जो प्राइमेट्स वगैरह में हो गए उसमें भी जो प्रेजेंट है, उसके अलावा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है तुम्हारे स्टमक के, वो सब तुम्हारे मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ये भी हमने पढ़ा था कि इपिडर्मल जो डेरिवेटिव्स हैं ये तुम्हारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द इंटैग्यूमेंट का इंट्रोडक्शन एंड ऑल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटैग्यूमेंट्री सिस्टम के डेरिवेटिव्स के बारे में। एक्चुअली इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया है इपिडर्मल डेरिवेटिव, लेकिन उसको थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के ना सिलेबस में केवल मैमल वगैरह का नहीं दिया है, पूरे वर्टिब्रेट का आपको पढ़ना है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को बहुत अच्छी सिस्टम प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए ग्लैंड की अगर हम बात करें तो लार्ज वैरायटी ऑफ इपिडर्मल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन पे, अगर हम मैमल्स की पर्टिकुलरली बात करें। जैसे हमने कल आपको काफी सारी चीजें पढ़ाई थी, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, हेयर फॉलिकल वगैरह सब कुछ पढ़ाया था ना, ठीक है। तो वैसे काफी सारे ग्लैंड होते हैं, कुछ ट्यूबुलर होते हैं और कुछ एल्विओलर होते हैं नेचर में, एंड
ऑलवेज दे आर लाइक मल्टी सैलर, बट कुछ यूनिसैलर भी होते हैं. कल हमने यूनिसैलर भी देखा था, मल्टी सैलर भी देखा था. ओके, जो प्रिंसिपल ग्लैंड्स हैं वो है आपके स्वेट ग्लैंड, जिसे कि हम सूडोफेरिक ग्लैंड बोलते हैं. एंड द बी सेकेंड वन इज आवर, जो प्रिंसिपल ग्लैंड में सेकेंड वन है वो है आपका स्वेट ग्लैंड के अलावा ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जिसे कि आप सीबेशियस ग्लैंड भी बोलते हो. तो सेकेंड हमारा क्या है, ऑयल ग्लैंड है. ओके, समझ गए आप. उसके बाद देखिए, अगर हम आगे बढ़े तो हम सबसे पहले स्वेट ग्लैंड की बात करेंगे, क्योंकि हमने बोला ना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओके, देखिए, जो हमारा स्वेट ग्लैंड है, जिसे कि आप सुडोरीफेरिक भी बोलते हो, क्या बोलते हो, सुडोरीफिक, ठीक है, सुडोरीफिक ग्लैंड भी बोलते हो, ठीक है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, पसीने वाली ग्रंथि बोलते हैं, जहां से हमें क्या मिलता है, काफी सारा पसीना मिलता है. जैसे ना आपकी बॉडी जो होती है वो गर्मियों में कितना ज्यादा पसीना आपके बॉडी से रिलीज होता है, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लैंड. इस ग्लैंड, इस ग्रंथि के होने की वजह से आपके अंदर क्या होता है, काफी सारा पसीना जो है वो बाहर निकलता है. और ये जो पसीना निकलता है वो क्यों निकलता है, ओनली आपके ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. आपका जो एक्सेसिव सॉल्ट है, एक्सेसिव कोई भी वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया या फिर एक्सेसिव वाटर है, तो वो मिक्स हो जाएगा और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है. तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है. क्या होता है भाई, ये लॉन्ग है और सबसे पहले ये ट्यूबुलर है और इस तरीके से ये क्या है, क्वाइल्ड है अपने में, ऐसे ये खूब सारे एक में क्वाइल्ड है, ठीक. ऐसे ग्लैंड्स आपको मिलेंगे. उनका लोअर पार्ट होता है वो धसा होता है हमारे डर्मिस की लेयर में, और जो अपर पार्ट होता है वो ओपन हो जाता है आउटसाइड थ्रू अ पोर. जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में पहले होता है एपिडर्मिस, फिर हमारी बॉडी में होता है डर्मिस, ठीक है, जो कि काफी चौड़ी एक लेयर है. उसके बाद हम लोगों ने देखा था हाइपोडर्मिस, जिसे कि हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोल रहे थे. तो जो हमारा स्वेट ग्लैंड है ना वो ऐसे यहां पर रहेगा, लेकिन क्वाइल्ड ट्यूबुलर के फॉर्म में, लेकिन इसकी पोर्स जो होंगी वो हमारे एपिडर्मिस से बाहर निकली रहेंगी. तभी जो स्वेट होगा वो बाहर की तरफ क्या होगा, हमारे स्किन पे आकर के आपको दिखाई देता है, ठीक है. फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्वेट ग्लैंड का, वो डिफरेंट होता है हमारे मैमल्स में, यूनिफॉर्म नहीं है. ये नहीं कि एक ही जगह पे पाया जा रहा है सबकी बॉडी में, डिफरेंट होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है. अब देखो, जैसे ये रही हमारी एपिडर्मिस, ओके, लेट मी, अच्छा इससे ड्रॉ करते हैं, ठीक है. देखो ये हो गया एपिडर्मिस, ओके, ये हमारा सेक्शन एपिडर्मिस का है एंड दिस इज आवर डर्मिस, ठीक है, ये हमारी डर्मिस की लेयर है. तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर है. इसकी पोर देखो बाहर की तरफ खुली है, देखो ये बाहर की तरफ खुली है, ठीक. तो ये क्या है हमारे, ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेट रिलीज करेंगे. और ये देखो ये स्वेट के पोर्स हैं, पसीने के ये पोर्स हैं जहां से स्वेट जो होगा वो आपकी बॉडी के बाहर आएगा, और जस्ट यहीं पर आपको हेयर फॉलिकल वगैरह भी दिखता है, ठीक है. तो डर्मिस में आपने देखा ये ब्लू वाला पार्ट जितना है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्वेट ग्लैंड, जहां पे आपको स्वेट पोर्स मिलेंगे और यहीं से आपको क्या होगा, स्वेट बाहर निकलते हुए दिखाई देगा. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्वेट ग्लैंड होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल के पोर के साथ ही होते हैं खुले हुए. जैसे कि ये हेयर फॉलिकल है, ये हेयर फॉलिकल निकल रहा है, तो उसी पोर से आप देखोगे कि स्वेट जो होगा वो भी निकलेगा, ठीक है. तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. अब देखिए, इन केस ऑफ मैन, जैसे कि हमने बोला कि मैमल्स में ना डिफरेंट तरीके से ये फैले हुए हैं. जैसे अगर हम अपने इंसानों की बात करें तो मैन में जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं पाल्म पे, सोल पे एंड आर्म पिट पे. कहाँ कहाँ होते हैं, हमारी हथेलियों पे, आपका हाथ आप खोल के देखो, आपकी हथेलियों पे प्रेजेंट होंगे, आपके तलवों पे, जो आपका पैर है नीचे उन तलवों पे, और आपकी बांह के गड्ढों पे, जो आपके आर्म पिट है वहां पर आपके बहुत ज्यादा स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होंगे. गर्मी जब होती है तो पसीने सबसे ज्यादा इन्हीं रीजन से बाहर आते हैं. फिर हमारे कैट, डॉग, रैट में, जो हमारे आपके कुत्ते बिल्ली हो गए और चूहे हो गए, ठीक है, जो कैट डॉग रैट हो गए, जैसे कि आपके बिल्ली कुत्ते चूहे, इनमें जो स्वेट ग्लैंड होता है ना ये इन लोगों के ना तलवों पे, जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना उन पे पाए जाते हैं. ये सब चीजें थोड़ा सा माइंड में रखना, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना कि हमारे मेन में किस में पाए जा रहे हैं, ह्यूमन बींग में हमारे पाल्म पे, सोल पे, आर्म पिट पे. लेकिन वही अगर हम कैट डॉग रैट की बात करें
तो उनके तलवों पे, जो पैर के तलवे होते हैं उन पे पाए जाते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद जो रैबिट होता है ना, इन पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो इनके लिप के अराउंड, इनके जो ओट होते हैं ना खरगोश में, उनके अराउंड पे ये जो स्वेट ग्रंथि है, जो पसीने की ग्रंथि है, वो पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो स्वेट होता है वो वॉटरी होता है अपियरेंस में, बट ये कलर रेड में हो जाता है सर्टेन एनिमल्स लाइक हिप्पोपोटामस एंड मैक्रोपस। तो आपको पता होगा जब आप जू गए होंगे तो हमेशा आप क्या देखते हो ना, गुलाबी कलर का पसीना देखते हो, कि गुलाबी कलर के पानी देखते हो आप हिप्पोपोटामस जहां पे रहता है। क्यों? क्योंकि उसका पसीना ही गुलाबी कलर का होता है, यहाँ पे रेड लिखा हुआ है तो गुलाबी कलर का होता है। और मैक्रोपस जो हमारे कंगारू वगैरह हो जाते हैं उनमें भी आप ये स्वेट ग्लैंड का कलर कुछ और देखते हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि स्वेट जो है, जो पसीना है, वो वॉटरी कलर का होता है, थोड़ा पानी जैसा दिखने में होता है, लेकिन दरियाई घोड़े और जो आपके मैक्रोपस हैं इनमें जो रंग होता है इनका, ये लाल होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया, एक बार हम उसका आपको समरी बता देते हैं। देखिए, हमने स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा ना, तो हमने ये पढ़ा कि ये ट्यूबुलर होंगे, ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। कोइल्ड होंगे और क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, ठीक है। और इनका जो नीचे का सिरा होगा, ये वाला पार्ट जो होगा ये डर्मिस में पाया जाएगा, और ये जो पोर है ऊपर का, ये जो पोर है ये हमारे एपिडर्मिस में पाया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये वॉटरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेन में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सोल में, आर्मपिट में, और बताओ जल्दी बताओ कहाँ पाए जाते हैं, आपके हथेलियों में, ठीक है, आपके पाल में, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कैट, डॉग एंड रैट, तो इनमें कहाँ पाया जा रहा है, इनके जो पैर के सोल है, सोल ऑफ फिट में पाया जा रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, कैट डॉग, उसके अलावा रैबिट में, रैबिट में ये लिप के अराउंड पाए जाते हैं, ठीक है। और हिप्पोपोटामस एंड मैक्रोपस में ये रेड कलर के आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, बहुत लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, हिंदी वाले बच्चों भी आप लोग सीधा सीधा लिखो कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट है, किसमें किसमें कैसे कैसे पाया जा रहा है, बस आपको यही सारी चीजें जो है ना आपको अपनी कॉपी में कंसिडर करना है, ओके। आपका नोट्स जो है लीजिए, वो तैयार हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख लेना, इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि हमारे स्वेट ग्लैंड के फंक्शन क्या है। जो सिक्रीशन होता है हमारे स्वेट ग्लैंड का, उसे हम स्वेट बोलते हैं। जो पसीने की ग्रंथियां जो है, जो वो सिक्रीट करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पसीना बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं। जो स्वेट्स होते हैं ये रिमूव करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। नाइट्रोजिनस अपिष्टी जो आपके वेस्ट हैं उनको हटाने में सहायता करते हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि जो हमारे आई, जो आई मार्जिन के पास जो मोल होता है, वो एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, जो कि सिमिलर आपको दिखाई देता है। अब ये बता रहा हूं तुम्हें कहाँ है, जो हमारे आई है ना, जो हमारी आंखें हैं, प्यारी प्यारी काली काली आंखें, वो जो है ये आंखें हैं हमारी, ये किसी की भी आंखें मान लो, तो जो आपकी दो आंखें होती है ना, तो यहाँ आप देखते हो नोज आ रहा होता है, तो यहाँ पे जब आप सो के उठते हो तो आपको वैक्स नजर आता है, सो के उठते हो तो वैक्स रहता है ना, जिसे आप कीचड़ बोलते हो, आप साफ करते हो, तो ये जो वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड है ये आपके ईयर पैसेज में भी प्रेजेंट होता है, जो आपके ईयर में वैक्स बनाता है, जो आप जिसको खोटी बोलते हो, ठीक है। तो अपनी भाई हिंदी वाली भाषा से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी आंखों में जो कीचड़ आता है वो भी कहाँ से आ रहा है, एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड से, ऐसा स्वेट ग्लैंड जो कि मॉडिफाई है, और जो आपके ईयर वैक्स है, जो आपके कान में खोटी आती है, वो भी क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड से आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की आंखों के किनारे स्थित जो मूल ग्रंथियां हैं वो संशोधित मॉडिफाइड है, और ये बाहरी कान मार्ग पे जो आप है ग्लैंड वो भी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। दैट्स ऑल अबाउट द स्वेट ग्लैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या होता है, ये ग्लैंड एल्विओलर होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे ये, ठीक है, ऐसे ऐसे एल्विओलर दिखाई देंगे, ठीक है। एल्विओलर नेचर के होते हैं, बैग नुमाइन का स्ट्रक्चर होगा, जनरली ये एसोसिएटेड होते हैं हमारे हेयर से, ये अकर होते हैं हेयरलेस पार्ट ऑफ द बॉडी पे अराउंड द जेनाइटल एरिया, टिप ऑफ द नोज, उसके बाद बॉर्डर ऑफ लिप, इंडिपेंडेंटली। ये
जनरली एसोसिएट करते हैं, बालों से ये जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये बाल रहित हिस्सों पे पाए जाते हैं। ठीक है, अंदर से बालों से जुड़े होंगे लेकिन बाहर जाकर के वो अलग पाए जाएंगे। जैसे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, तो योनि जो आपकी जनांग अंग है, जो आपकी जेनाइटल एरिया है, किस आपके मेल एंड फीमेल में जो जेनाइटल एरिया है, लाइक आपके वजाइना के पास, पेनिस के पास, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी जो नोज है, जो आपकी नाक है, उनकी नोक पे, जो नाक है ना उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये। और ये जो ग्लैंड है ये आपको लिप के बॉर्डर पे भी देखने को मिलेगा। अब जो जो पार्ट आपने देखा वो सभी से जो पार्ट है वो काफी ज्यादा क्या है, सॉफ्ट एंड आपके बहुत ही लाइक आप बहुत उसको ना वो करके रखोगे, संभाल के रखोगे। ठीक है, आपके नोज देखो, नोज के टिप पे पाया जा रहा है बिकॉज आपके नोज को मॉइस्चराइजर चाहिए। आपके लिप के किनारे किनारे पाया जा रहा है बिकॉज आपके लिप को मॉइस्चराइजर चाहिए। तो ऑयलिंग इज लाइक वेरी नेसेसरी, तो ह्यूमन बॉडी में पहले से ही वो चीज प्रेजेंट है, ऑयल ग्लैंड, जिसे कि हम सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, जो कि एज अ मॉइस्चराइजर काम करता है सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें। ये ग्लैंड एब्सेंट होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहाँ ये एब्सेंट होते हैं। तो ये एब्सेंट होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि नाम है पैनगोलिन, सीटे और साइरेनिया। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स है जिसमें क्या होगा, स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाएगा। अब देखिए, ये हमारा एपिडर्मिस है, दिस इज आवर एपिडर्मिस, ओके, एंड दिस इज आवर डर्मिस वाला लेयर। ठीक है, ये डर्मिस हो गया ना देखो, और ये नीचे हमारा हो गया, ये नीचे हो गया हाइपोडर्मिस। तो आपको डर्मिस के जगह पर ना क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ देखो देखो देखो, ये हेयर फॉलिकल है, ये हेयर फॉलिकल है नीचे। ठीक है, ये हेयर जा रहा है ऊपर, ऐसे जा रहा है ना। अब देखो, ये नीचे से तो हेयर से जुड़ी है, ये देखो, ये नीचे से तो हेयर से जुड़ी हुई है लेकिन ये ऊपर जाके गायब हो जा रही है। तो इसीलिए बोला गया था कि ये हेयर से एसोसिएट तो करती हैं, लेकिन आपको बाहर से ऐसे दिखाई देगा कि ये हेयर जो ग्लैंड्स है ना, जो हेयर्स है, उनसे बहुत ही ज्यादा सेपरेट है, नीचे रूट से जुड़ी हुई है, शूट पे आते वक्त वो पूरी की पूरी तरह खत्म हो जा रही है। ठीक है, अगर इसे इनलार्ज करके देखोगे तो तुम पहले बेसल सेल इनका देखो, जो एल्विओलर है तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इनका बना है, जो ये इनका एरिया हमने बनाया, ये जो एरिया बनाया है ऊपर का, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसल सेल, ये पूरी तरीके से बेसल सेल है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये बेसल सेल से बनी हुई है। फिर सेकंड आपको इसमें देखने को मिलेगा अनडिफरेंशिएटेड सीबोसाइट। सीबोसाइट मतलब क्या, कि ऑयल जो आपको ऑयल ग्लैंड है ना, जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, क्या है वो, अनडिफरेंशिएटेड है, तो इन्हें हम कहेंगे आपके अनडिफरेंशिएटेड सीबोसाइट। साइट मतलब सेल, सीबो मतलब ऑयल ग्लैंड। ठीक है, ऐसे सेल जो कि ऑयल रिलीज कर रहे हैं। फिर आपको कुछ दिखाई देंगे क्या, एक मिनट, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होंगे ना, वो आपके केवल से केवल पूरी की पूरी कॉर्नर्स पे पाए जाएंगे। वेट अ मिनट, दिस इज योर अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, सीबम सेल। उसके बाद सेकेंड आपको दिखाई देगा डिफरेंशिएटेड सीबोसाइट दिखाई देगा। ठीक है, और एक ही जगह पर क्लस्टर में आपको क्या दिखाई दे देगा, क्लस्टर में आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे खूब सारा सीबम। एंड यही सीबम जो होगा वो रिलीज किया जाएगा हमारे ऑयल ग्लैंड से, जो कि बाहर आपके बॉडी पर दिखाई देगा। तो ये आपका हो गया आपके ऑयल ग्लैंड के बारे में। अब इनके फंक्शंस पढ़ लो। इनका सिक्रीशन जो होता है उसे हम सीबम कहते हैं। ये ऑयली नेचर के होते हैं और हेल्प करते हैं बॉडी को मॉइस्चराइज रखने में, ऑयली बनाने में। ग्रंथि जो है इसे हम सीबम नाम से बोलते हैं, यह तेलीय प्रकृति का होता है और शरीर में तेलीय बनाए रखने में मदद करता है, पूरी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। मिबोमियन ग्लैंड जो होता है आईलिट के पास, वो मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होता है। ये ऑयली फिल्म सिक्रीट करता है सरफेस ऑफ द आईबॉल, जो हमारी आईबॉल है ना बीच की। आप कभी किसी की आंखों को बहुत ही ज्यादा गौर से देखना ना, तो आप जो आईबॉल है ना, जब उस पर नजर डालोगे तो वो आईबॉल हमेशा ही ना तुम्हें ना थोड़ी सी मॉइस्चराइज दिखेंगी, थोड़ी सी ना गीली गीली दिखेंगी, और वो हमेशा लगेगा कि आंखें जो है वो पानी से भरी हुई है, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आईलिड होती है, जो हमारी आईलिड है ना, जो वो उसके जो आईलिड है उनके पास एक ग्लैंड है मिबोनियन ग्लैंड करके, ये सीबेशियस ग्लैंड का मॉडिफाइड ग्लैंड है।
समझ रहे हो, जैसे स्वेट ग्लैंड का भी मॉडिफाइड ग्लैंड था ना, वैसे ही यहाँ पे जो ऑयल ग्लैंड है उसका भी मॉडिफाइड ग्लैंड है, जिसे कि हम मीबोनियन ग्लैंड बोल रहे हैं। ये हमारे आई बॉल को क्या करती है, पूरी तरीके से कवर की रहती है, मतलब इनसे जो सिक्रीशन हो रहा है, और एक ऑयली फिल्म ये क्या कर देती है हमारे आई बॉल पे बना करके रखती है जो सिक्रीशन। अच्छा, अब स्केंट ग्लैंड के बारे में पढ़ लो तुम, ठीक है। स्केंट ग्लैंड क्या होता है, गंध, जिससे कि ना खुशबू आती है आपके बॉडी से। तो स्केंट ग्लैंड जो होता है ये ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड है, ये एक्ट करता है एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट, ठीक है। दे आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब स्केंट ग्लैंड के बारे में अगर तुम्हें बताया तो ये एक सेक्स अट्रैक्टेंट है, मेल में पाए जाएंगे फॉर द फीमेल, फीमेल में पाए जाएंगे फॉर द मेल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट पे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हमारे डियर फैमिली की बात करें तो स्केंट ग्लैंड जो होता है वो नियर द आई, आंखों में पाए जाते हैं, मतलब तो आंखों के आसपास। कार्निवोर्स में ये नियर द एनस पाया जाएगा। पिग एंड गोट में ये कहाँ पाया जाएगा, बिटवीन द टोज, जो उनकी उंगलियां होंगी पैरों की ना, उनके बीच में पाया जाएगा, ठीक। सो ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, क्या क्या पढ़ लिया हमने इस वीडियो में, तो हमने एक स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने ऑयल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, ओके, एंड हमने एक स्केंट ग्लैंड में, मतलब एक थोड़ा सा होता है ना कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेना, तो हमने स्केंट ग्लैंड के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। स्वेट ग्लैंड में भी हमने आपको बहुत चीजें बताई, साथ में आपको मॉडिफाइड वाला भी बताया, इसमें भी आपको मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड्स बताए, कहाँ कहाँ किसमें किसमें क्या प्रेजेंट है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। जितना जरूरी है उतना ही यहाँ पे पढ़ाया जाता है, इससे अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ो, नोट्स बनाओ और मस्त पेपर दे के आओ, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, छोटी सी वीडियो ही बनाया है हमने, एक और वीडियो आपको मिलेगी शाम उम तक, जहाँ पर हम आपके साथ फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है वो सब हम इलाबोरेट वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम इज ऑल अबाउट स्किन, ठीक है, जो हमारी त्वचा है हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, और हम उसी को क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओके। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में हमने आगे चल के उसका एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हम लोगों ने पहले एक एपिडर्मिस देखी, ठीक है, हमने एक एपिडर्मिस की लेयर देखी, फिर हमने उसमें डर्मिस की लेयर देखी। क्या देखा हमने, उसमें हमने डर्मिस का लेयर देखा। डर्मिस की लेयर किससे बनी हुई थी, कैन यू टेल मी, कि एपिथेलियल सेल जो है वो आपके एपिडर्मिस में पाई जाएगी या फिर आपके डर्मिस की लेयर में पाई जाएगी, कैन यू टेल मी। तो हाँ, आप लोगों ने सही बोला कि जो हमारी एपिथेलियल सेल है ना वो हमारे डर्मिस की लेयर में पाई जाएगी, और जो हमारी ईपी डर्मिस के बाद जो नीचे डर्मिस की लेयर है ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद हमारे पास एक हाइपोडर्मिस की लेयर थी, जिसे कि हम क्या बोल रहे थे, सब क्यूटिनियस लेयर बोल रहे थे। ये हमारा पार्ट था पूरा का पूरा स्किन का, ठीक है। इसमें हमने आपको एक स्वेट ग्लैंड के बारे में बताया, ठीक है, हमने आपको इसी में क्या बताया, ऑयल ग्लैंड के बारे में बताया, फिर यही हमने आपको फॉलिकल्स के बारे में बताया, हेयर फॉलिकल्स, ओके, ये हेयर फॉलिकल्स हो गए, इन सभी के फंक्शंस डिस्कस किए। देन हमने ये भी बताया कि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, और फिर हमने इसी में डिस्कस किया था नर्व, कि यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम भी दिखाई देगा, अच्छे से नर्व वगैरह भी फैली हुई दिखाई देंगी, ठीक है। जो हमारे स्वेट ग्लैंड थे उनका भी पोर ऊपर के ही तरफ आ रहा है, ठीक है, तभी स्वेट जो है वो बाहर की तरफ आपको आपकी स्किन पे दिखाई देता है, और जो आपके ऑयल ग्लैंड है उनका भी पोर ऊपर की तरफ आता है। हमने स्वेट ग्लैंड एंड जो हमारा ये आपका स्वेट ग्लैंड है, इसमें हमने मॉडिफाइड वाला भी पढ़ा, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में पढ़ा, डिफरेंट मैमल्स में पढ़ा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फिर हमने जो ऑयल ग्लैंड है इसमें भी मॉडिफाइड पढ़ा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, और साथ ही साथ हमने एक एक्स्ट्रा में आपको स्केंट ग्लैंड भी पढ़ाया था, थोड़े बहुत पॉइंट उसके बारे में। तो ये हमने अभी तक कंप्लीट किया है। नाउ अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम है हमारे जानवरों में, इनके काफ़ी सारे एसेंशियल फंक्शंस हैं, विभिन्न आवश्यक कार्य करते हैं ये। पहला है प्रोटेक्शन, पहले ही दिन पढ़ाया था कि स्किन जो है हमारी वो आउटर लेयर है और ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। कैसे करती है, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो एक बार सुन लो। मान लो कि दिस इज योर स्किन, अच्छा ब्लू से बना दिया, गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं भाई, ब्लू मत हो तुम, वो जादू मत बनो तुम, ठीक है, चलो ये
ये कलर है तुम्हारे स्किन का। अब भाई देखो पूरे जो अगर तुम वाइट हो गए ना तो फिर वाइट अभी हम बना नहीं सकते क्योंकि हम लोग तो थोड़ा ऐसे ही कलर के हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारी स्किन हो गई। अब ये तुम्हारा सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है और ये तुम्हारी इंटरनल बॉडी है। ठीक है, ये बीच में जो है ना, दिस इज व्हाट योर, दिस इज योर स्किन। अब क्या होता है कि मान लो बाहर से एक पैथोजन आ रहा है, उसको मन किया कि भाई वाह हमको तो इसमें जाना है और जितना भी ब्लड है उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेना है, तो तुम्हारे स्किन ने कहा अच्छा भैया तुम अंदर चले जाओगे, इससे कैसे चले जाओगे यार, हम है नहीं क्या। तो ये क्या करता है, एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है, ये अपने आप को इस तरीके से बनाए रहता है ना कि इसके अंदर आप कोई भी पैथोजन जो है बाहर से वो नहीं आते हुए दिखाई देगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो गए हमारे उदास, ये हो गए उदास कि ठीक है यार जा रहे चलो टाटा बाय बाय, ठीक है बाय बाय मिलेंगे। ठीक है, तो ये बाहर चले गए तो पैथोजन आने की एंट्री बंद कर दी। उसके बाद मान लो कि बहुत लोग होते हैं जैसे हम ही हैं, हम गिरते पड़ते चलते रहते हैं, इधर उधर टकराते रहते हैं, कटते पिटते रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि स्किन जो है हमें इंजरी से बचाती है। ठीक, मान लो कि हम ऐसे पढ़ा रहे हैं चेयर पे बैठ के, हम उठे और चेयर से हम लड़ गए, उसके बाद मेरी स्किन पे थोड़ा सा क्या हो गया, चोट लग गया। बताओ अगर स्किन नहीं होती, अगर ये स्किन नहीं होती तब तो मेरे डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन पे चोट लगता ना भाई, जितने भी हमारे इंटरनल जो बोन्स वगैरह डायरेक्ट उस पर खट खट बोलता। लेकिन स्किन है तो इसने क्या किया हुआ, इंटरनल जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड है, सबको एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, समझ रहे हो आप। तो ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को डिफरेंट पैथोजन से। और एक और चीज जोड़ लेना कि भाई ये आपको एक फ्रेमवर्क भी बहुत अच्छा देते हैं। अगर आप केवल आपकी, जैसे हम बोलते हैं कि स्केलेटल सिस्टम ने फ्रेमवर्क दे दिया, लेकिन क्या केवल स्केलेटल सिस्टम रहता है तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखती क्या, नहीं, उसके ऊपर तुमने कपड़े पहनाए हैं जो कि तुम्हारी स्किन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पैथोजन से रोक रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो आपकी बॉडी में नहीं घुसने देना है। उसके अलावा मैकेनिकल डैमेज, जैसे हमने बताया तुम्हें कि अगर कोई क्षति तुम्हें पहुंचती है तो उससे भी तुम्हें बताता है। ये देख लो स्लाइड हमने बनाई है, ना जाने हम सोते हुए स्लाइड बना रहे थे क्या कि 1 के बाद 3 लिख दिए, चलो माफ कर देना गलती। ठीक है, 1 के बाद 2 आएगा लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सेंसरी परसेप्शन में क्या है ना कि जो नर्व एंडिंग होती हैं हमारे स्किन में, ये अलाउ करती हैं एनिमल्स को कि वो टच को भी फील कर सके, सेंस कर सके, किसी प्रेशर को फील कर सके, टेम्परेचर को, पेन को, प्रोवाइडिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इन्वायरमेंट। तो जो हमने तुम्हें अभी ऊपर स्ट्रक्चर बताया उसमें तुम्हें बताया ना कि नर्व भी प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व क्या काम कराती हैं भाई, ये हमारे स्किन को ये बताती हैं, हमारे स्किन को ये बताती हैं कि तुम्हें किसी ने छुआ है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, बाहर के तापमान से तुम्हें अफेक्ट हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमारे स्किन है वो हमें बताती हैं। लेकिन स्किन को कौन बताता है, जो हमारे नर्व प्रेजेंट होते हैं, नर्व की एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं हमारे स्किन में, जो हमने तुम्हें डर्मिस लेयर में, सबक्यूटेनियस लेयर में दिखाया, वो क्या कराती हैं, सेंस कराती हैं। तो यहाँ पे सेंसरी परसेप्शन से मतलब है कि तुम्हारे सराउंडिंग, तुम्हारे इन्वायरमेंट से तुम्हें कनेक्ट की रहती हैं। सबसे पहले तो एक डोर बना लिया, तुम्हारी अंदर की बॉडी, इंटरनल ऑर्गन जो है तुम्हारी अंदर की पूरी बॉडी को इसने सपोर्ट करके रखा हुआ है, बढ़िया से प्रोटेक्ट कर रही है। उसके अलावा तुम्हारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चल रहा है, ये सब तुम्हारी स्किन क्या है, तुम्हें सेंस करवा देती है। ओके, उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में तुम्हें हमने बताया था कि सॉल्ट हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्टेज हो गए, ये क्या कर देती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसे तुम्हारे बॉडी से क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, पानी के साथ मिलकर के। अब पानी के साथ मिल रही हैं तो पता चल गया तुम्हें स्वेट ग्लैंड, क्योंकि तुम्हें हमने बताया था कि स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट निकलता है वो वाटरी नेचर का होता है। स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारे शरीर से और कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन में, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में। तो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम का एक्सक्रीटरी फंक्शन कौन कर रहा है बच्चा, लो स्वेट ग्लैंड कर रहा है। ठीक है, समझ गया, देखो पिक्चर कितनी थक गई है, कितनी थकी हुई है मेरी, ये मेरी आदत है, ऐसे मैं ही हूँ, ये थक गई हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो स्किन है, क्योंकि वो फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रही है, जो उनमें इम्यून सेल्स है वो प्रिवेंट कर रहे हैं इन्फेक्शन ना होने के लिए, तो ये हमारे क्या करते हैं, पोटेंशियल थ्रेट को रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब ये कि पैथोजन भैया तुम बाहर रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आओगे तो इन्फेक्ट करोगे, ये बात चल रही है स्किन की। ठीक है, तो पैथोजन
कहते हैं ठीक है भैया हम जा रहे हैं, वैसे भी तुम इतने ज्यादा लाइक तुम्हारी परत जो है वो मोटी है कि वैसे भी हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो ठीक है हम जाते हैं। तो क्या हो रहा है, पैथोजन बाहर से बाहर निकल जा रहा है, वो अंदर आ ही नहीं पा रहा है। जब अंदर नहीं आ पा रहा है तो कोई इन्फेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा है, तो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रह रहा है। अच्छा, वाटर रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन में क्या हो रहा है, स्किन जो होती है वो हेल्प करती है वाटर लॉस को रेगुलेट करने में, डिहाइड्रेशन से बचाने में और प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल बनाए रखने में। होता क्या है कि गर्मियों के टाइम में हमारे अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है, क्या होने लगता है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो हमारी बॉडी है ना वो बहुत हद तक ये कोशिश करती है कि हमारे जो शरीर है ना उसमें पानी की कमी ना हो, निर्जलीकरण ना हो, तो वहां पर वो अच्छे से वाटर बैलेंस करके रखती है। जब भी आपको जरूरत होती है, आपको प्यास लग जाती है, आप पानी पी लेते हो, तो आपकी जो स्किन है वो अंदर से एक्सेसिव पानी बाहर ना निकले उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की सिंथेसिस करवाने में हमारी स्किन बहुत ज्यादा इनेबल कर। अच्छा हाँ, विटामिन डी भाई, तुम अगर सन के नीचे जाकर के बैठोगे, मतलब सन के नीचे इन द सेंस की सनलाइट जहां आ रही होगी वहां जाकर के अगर तुम अपने स्किन को एक्सपोज करते हो, तुम अच्छे से जाकर के बैठते हो और थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो सन बाथ लेते हो, तो तुम क्या करते हो, बहुत ही अच्छे से अपने स्किन को ये इनेबल करवाते हो कि भाई तुम मस्त अपना विटामिन डी बनाओ, हम यहाँ आराम से बैठ करके सनलाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो कि ये आप हो, ठीक है, और ये हमारे सन है, ये हमारे सूर्य भगवान है, ठीक है, इन्होंने क्या की लाइट दी, अब ये लाइट आप मस्त छत पे जाकर के बैठ के सन बाथ ले रहे हो, तो आपकी जो स्किन होगी ना वो एकदम खुश हो जाएगी और वो खुश होकर के विटामिन डी बनाने लगेगी, और इतनी खुश हो जाएगी और इतना विटामिन डी बनाने लगेगी ना कि आपकी जो हड्डियां होंगी, जो आपकी बोन हेल्थ होगी ना, वो एकदम मुस्कुराने लगेंगी, कहेंगी वाह भाई वाह कितना विटामिन डी आ रहा है। तो आपकी जो बोन हेल्थ है, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास स्किन है। ओके, क्या है आपके पास, स्किन है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। एनिमल्स के पास डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं उनकी स्किन में, सच एज स्किन कलर, स्किन पैटर्न, कम्युनिकेशन विद देयर स्पीसीज। तो हमने जब तुम्हें पढ़ाया था लास्ट वीडियो में स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड वाला ऑयल ग्लैंड, तो तुम्हें बताया था कि वहां पे स्केंट ग्लैंड भी प्रेजेंट है और वो तुम्हारे स्किन में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या है, सेक्स अट्रैक्टेंट है, तो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, ये अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हो पाता है स्पीसीज से। अब ये जो स्किन है, आप देखते हो काफी सारी जो गाय माता है उनके ऊपर आप देखते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं, जो डॉगीज होते हैं, जो पपीज होते हैं, उनमें कितने अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने होते हैं। आप देखो इमेज देखो, आपकी जो कैट्स होती हैं उनमें कितने अच्छे बने होते हैं। तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कम्युनिकेट कराते हैं अपनी स्पीसीज से। अब कैट जो है वो कैट को देख के पहचान जाएगी। अगर ये बताओ, कैट की हड्डी ले लो, अंदर का स्केलेटल सिस्टम ले लो और उसको डॉग का स्किन पहना दो, तो क्या कैट पहचान पाएगी, नहीं पहचान पाएगी ना, सीधी बात है। तो स्किन जो है वो तुम्हें पहचानने देती है कि सामने वाला इंसान इंसान है या फिर जानवर है, और जानवर में कौन सा जानवर है, समझ रहे हो। अब मेरी सुनो, मान लो कि रोहन है और मोहन है, तो मोहन ने क्या किया, अपना स्केलेटल सिस्टम, तो ऐसा इमेजिनेशन करो, ठीक है, मेरी दुनिया में इमेजिनेशन ही है केवल, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो मोहन है उसने अपना स्किन हटा करके और क्या कर लिया, डायनासोर का स्किन पहन लिया, स्केलेटल सिस्टम वही है, स्केलेटल सिस्टम उसका अपना ही है, लेकिन उसने क्या कर दिया, स्किन डायनासोर का पहन लिया, तो जो रोहन है वो तो डायनासोर ही उसको समझेगा ना, वो अपने दोस्त मोहन को थोड़ी पहचान पाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, कि आपके अपनी स्पीसीज से कम्युनिकेशन भी केवल आपके स्किन की वजह से हो पाती है। आप पहचान पाते हो कि अच्छा ये तो भाई कैट है, अच्छा ये तो डॉग है, ये तो हमारी गाय माता है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आप स्किन से देखते हो। उसके बाद कैमोफ्लेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, आपको पता है कि सर्टेन एनिमल्स जो होते हैं वो अपने स्किन कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गिरगिट। गिरगिट क्या करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं, अगर वो बनाना पे गए तो येलो कलर के हो जाएंगे, वो लीफ पे गए तो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है स्किन कलर जो है वो कैमोफ्लेज में भी हेल्प, मतलब स्किन जो है वो कैमोफ्लेज में भी हेल्प कराते हैं। और आपने सुना होगा कि एक हद तक आपको सनलाइट लेनी है, उसके बाद से सनलाइट नहीं लेना है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा उन सनलाइट में आ रही है, जो आपके स्किन में बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आपको डिफरेंट स्किन एलर्जीज हो सकती है, स्किन में आपके दिक्कत हो सकती है। तो आपकी जो स्किन है वो आपके इंटरनल बॉडी को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से भी बचा करके रखती है। ओके,
उसके बाद हाउसिंग सेंसरी रिसेप्शन है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हो गए, नर्व सेंडिंग हो गई हमारे स्किन में, ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेंसरी फंक्शन, जिससे कि आप एनिमल जो है वो नेविगेट कर सकता है उनके एनवायरमेंट से, जो कि हमने बात कर लिया है। बालों के रोम, तंत्रिका अंत जो हमारे संवेदी कार्यों में योगदान करते हैं, जिससे जानवरों को अपने पर्यावरण के नेविगेट मतलब पर्यावरण से वो क्या कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, खत्म हो गया। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने आज की वीडियो में? हमने यही पढ़ा कि जो हमारी स्किन है वो हमें क्या कर रही है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। तो पहला हमने पढ़ा प्रोटेक्शन का काम, फिजिकल बैरियर वगैरह से, पैथोजन वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकंड, यूवी रेडिएशन वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके बाद हमें जो है ना विटामिन डी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है सनलाइट के अगर एक्सपोजर में आप जाकर के बैठो तो, कैमोफ्लॉज कराने में हेल्प करती है। उसके बाद ये सेल्स आपके इन्वायरमेंट से आपको जोड़े रखने में हेल्प करती है, सेंसिंग जो आपके नर्व सेंडिंग प्रेजेंट होते हैं। फिर ये आपके स्वेट ग्लैंड जो आपके प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया या फिर कोई भी वेस्ट आपकी बॉडी में बहुत एक्सेसिव सॉल्ट हो गया तो वो वाटर के साथ मिलके आपकी बॉडी से बाहर चला आता है। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह से आपको बचाए रखती हैं। तो ये आपके कुछ इंटेग्यूमेंट्स आपके स्किन के फंक्शंस थे, तो बहुत ईजी थे, बहुत अच्छे से आप नोट्स बना लेना। बस दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे या फिर हो सकता है कि पेपर वन से कुछ पढ़ लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय।